मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर अभय सिन्हा और करिश्मा तन्ना को। इफ्फा 2017 जुबली स्टार अवार्ड गोज टू, एनी गेसेस? दिनेश लाल यादव। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद यशी फिल्म को, हमारे अभय भैया को, डिशुम चैनल को, और हमारे बीच आज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे भगवान जिनको हम लोग अपना गुरु मानते हैं, गोविंदा जी यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और रवि भैया आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और हमेशा बनाए रखिए। फिल्म देखने का शौक बचपन से था, घर से भाग के फिल्में देखता था, और ये जरूर सोचता था कि कभी किसी फिल्म में मुझे ऐसे ट्रे में पानी ओनी लेके जाके वहाँ रख के चले जाना, इतना भी रोल मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे दर्शकों को, आप भगवान हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए हमारे इंडस्ट्री के कैसे हीरो हैं कि इनके साल में एक पिक्चर सिल्वर जुबली होती है, इसलिए हम लोगों ने जुबली स्टार का नाम दिया कि हमारे जुबली स्टार हीरो हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए भोजपुरी सिनेमा और हिंदी सिनेमा का एक खास रिश्ता है, ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि पर्दे के पीछे ऐसे कई हस्तियां हैं जो ना सिर्फ हिंदी बल्कि रीजनल सिनेमा को भी प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही खास हस्ती को सम्मानित करने के लिए हमारा अगला अवार्ड है। हम जो अवार्ड देने जा रहे हैं उसका नाम है इफ्फा फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। And the award goes to IFFA 2017 Best Critic Award goes to none other than Sabke Chahite Ravi Kishan Jodi number 1. धन्यवाद यशी फिल्म्स, धन्यवाद अभय सिन्हा जी, आपको बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में ये अवार्ड हमको मिला है। मैंने जितना भोजपुरी के लिए मेहनत की, भोजपुरी ने उसे 100 गुना ज़्यादा मुझे दिया। जितने दर्शक इस वक्त हमके देखा तड़ान, हम सब लोगों के गोड़ छू के प्रणाम करब कि भैया हो, हमार कोनो पहचान ना रहे, हमार कोनो गॉड फादर ना रहे। मेरी किसी ने मदद नहीं की थी क्योंकि मैं स्वयं की मदद कर रहा था और मेरे भगवान, मेरे इष्ट शिव जी मेरी मदद कर रहे थे। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। क्या बात है, हम सबको एक डायलॉग सिखाकर चले गए अब कि जिंदगी झंडवा पर फिर भी घमंडवा, ये डायलॉग का मतलब क्या है, कहाँ से इजाद किया आपने? इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ नहीं है फिर भी घमंडवा, अगर कुछ भी नहीं है तब भी एक एटीट्यूड, एक स्वैग, यू नो, यू हैव टू हैव दैट स्वैग विद यू। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, क्या बात है। अगली जो परफॉर्मेंस है वो है दिनेश लाल और अम्रपाली दुबे की, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। लाली लाली होठा वास चुहता वे लाली अम्रपाली रे, अम्रपाली रे मन करे काच देना खाली, अम्रपाली रे मन करे काच देना खाली, गोरे गोरे चाली, गोरे गोरे गाल जैसे तू दवा के चाली, अमर पाली रे मन करे काच देना खाली, अमर पाली रे मन करे काच काच काच। हाँ ऐसे क्रिस्टल एक बात बताओ, सारी लड़कियों के पास एक स्कूटी होती है, तुम्हारे पास भी स्कूटी है? हाँ है। अच्छा, अब सपोज करो स्कूटी से बुलेट की आवाज निकले तो क्या करोगे? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस? बिना किसी खर्चे के। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है यार, उसके साइलेंसर पे बीवी लिख देंगे और क्या, है ना। पर फिल्मों में या रियल लाइफ में किसी को हंसाना कितना कठिन होता है, इसलिए लगभग हर फिल्म में कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम सब के मनोरंजन के लिए एक राइटर डिजाइन करता है और एक एक्टर उस कैरेक्टर को निभाता है और इफ्फा उन्हें सम्मानित करता है। बिल्कुल, और इस साल भी ऐसे कई कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने हमें खूब हंसाया, खूब लोटपोट किया। तो आइए देखते हैं कि इस साल का इफ्फा बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल किसे जाता है। और इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी अजय सिन्हा एंड योगेश लखानी को।
सुरिया द्विवेदी कृपया मंच पे आए। कांग्रेचुलेशन सर। अधेश मिश्रा जी को बेस्ट विलन का अवार्ड। सबसे बड़े हीरो के सामने एक विलेन का अवार्ड मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदा जी प्रणाम।